नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन इंडिया हिंदी में। खराब अंपायरिंग तो क्रिकेट में फैंस ने काफी देखी है, लेकिन न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच में एक ऐसी खराब अंपायरिंग देखने को मिली जहां खुद गेंदबाज से भी पूछा जाता तो बल्लेबाज को नॉट आउट करार देते। ना तो गेंद का बल्ले से कोई संपर्क था और ना ही गेंद विकेट को हिट कर रही थी। दोनों केस में गेंद दूर दूर तक बल्ले और विकेट को टच नहीं कर रही थी, लेकिन अंपायर ने थोड़ा रुककर आउट करार दे दिया। हालांकि बल्लेबाज के डीआरएस लेने के बाद फैसले को बदलना पड़ा। ऐसी अंपायरिंग के बाद पता चलता है कि डीआरएस सच में कितना जरूरी है क्रिकेट के लिए। दरअसल हुआ यूं कि चौथे ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, हेनरी निकोलस स्ट्राइक पर थे। ओवर की तीसरी गेंद शमी ने छोटी फेंकी, जिसे हेनरी निकोलस स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन शॉट लगाने में वो चूक गए। गेंद उनके थाई पैड पर जाकर लगी। गेंद में काफी उछाल भी थी, जिसकी वजह से पैड में लगकर गेंद गली की तरफ चली गई, जहां भारतीय खिलाड़ी ने आसानी से कैच लपक लिया। मोहम्मद शमी को लगा कि गेंद ने बल्ले को छुआ है, इसलिए उन्होंने अपील कर दी। बस इतना करना था कि अंपायर ने आउट की उंगली खड़ी कर दी। हेनरी निकोलस ने तुरंत डीआरएस लिया, जिसमें साफ पता चल रहा था कि गेंद ने ना तो बल्ले को छुआ है और ना ही गेंद विकेट को हिट कर रही है, लिहाजा उन्हें फैसला बदलना पड़ा। इसी दौरान कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने मजाकिया लहजे में कहा, इस अंपायर की आंख और कान खराब है, इसको चेकअप करवाने की जरूरत है। आपको बता दें, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 348 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया। टीम इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 103 रनों की पारी खेली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।